हमारे पास आधी रात को एक छोटा सा बच्चा आया था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसके पूरे शरीर में फ्लीस भरे हुए थे और उसके जबड़े में भी बहुत मार लगा था। नाक से खून निकलने के कारण उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। अधमरा पड़ा हुआ था जिसे हमने ऑक्सीजन लगा के सोचा कि शायद वो सांस ले ले, पर हमें लगा कि वो दूसरा दिन नहीं देख पाया। पर उसने दूसरे दिन तक एग्जिस्ट किया, हमने सलाइन लगाया। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा क्योंकि वो पूरी तरह से कोमा में था, पूरा तरह से कोमा में। हमने उसे 21 दिन क्रॉस करने के बाद थोड़ा थोड़ा फीड करना शुरू किया और उसने उसे थोड़ा थोड़ा सा निगलना शुरू किया। आप देख सकते हैं वो कितने धीरे से वो दूध निगल रहा था। हमें एक छोटी सी आशा दिखाई दी कि शायद ये बच जाए। 21 दिनों के बाद हमारी ये जो तपस्या थी वो कोमा से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था। उसने हाथ पैर हिलाने शुरू किए, उसने आंखें भी खोले और उसने थोड़ा थोड़ा खुद होकर दूध पीना भी शुरू किया। 40 दिनों बाद हमने उसे थोड़ा अपना भार उठाना सिखाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा उसने अपना शरीर और अपना वजन संभालना भी शुरू किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और आज वो खुद के पैरों से चलना भी शुरू कर रहा है, खुद के बल पे खड़ा भी हुआ है। ऐसे ही आपके सपोर्ट के कारण कई सारे जीव हमारे शेल्टर पर बचते हैं। हमारी सहायता करते रहिए, इन पशुओं को बचाने के लिए डोनेट करते रहिए। इसकी जान बचाने के लिए और इसे एक नया जीवन देने के लिए आप सभी को जो प्यार फाउंडेशन से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। Donate to help us, PR Foundation.